स्वागत है आपका। मैं हूँ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना के बदले नए रूप के, साथ ही साथ बात करेंगे कोरोना के खिलाफ कॉकटेल एंटीबॉडीज की, और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस। वायरस आए दिन अपना रूप बदल रहा है। अब इसका नया वेरिएंट मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे डेल्टा प्लस या AY1 का नाम दिया है। ये बहुत ज़्यादा संक्रमित करने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बना हुआ है। क्या ये फिर से कोहराम मचाएगा? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब नहीं में दिया है। उनका कहना है कि भारत में अभी इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। कारण ये है कि देश में अभी इसके बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन इस पर अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा B16172 प्रकार में बदलाव होने से बना है। डेल्टा वेरिएंट की पहचान पहली बार भारत में हुई थी। ये महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया था। हालांकि वायरस के नए प्रकार के कारण बीमारी कितनी घातक हो सकती है, इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। डेल्टा प्लस उस मोनोकल एंटीबॉडीज कॉकटेल का उपचार रोधी है, जिसे हाल ही में भारत में मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने नींदें उड़ा दी हैं। भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। देश में अभी इस वेरिएंट के सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं, जबकि पूरी दुनिया में 150 से कम मामले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट तीसरी लहर के रूप में सामने आने वाला है? क्या नया वेरिएंट देश में फिर से कोहराम मचाएगा? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बातचीत करेंगे कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है, नए वेरिएंट पर एंटीबॉडीज कॉकटेल बेअसर माना जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं, जो कि अपने आप में पूरी दुनिया के केसेस को देखते हुए बड़ी संख्या है। ऐसे में क्या कुछ कहना है हमारे एक्सपर्ट का? तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में केस आए हैं, साथ ही साथ कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक हो सकता है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से क्या फिर से आ सकती है तबाही? साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने में वैक्सीन क्या कारगर है या नहीं है, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में है। डेल्टा प्लस या B16172 से बना है डेल्टा प्लस, क्या प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देगा वायरस? कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट कोरोना का, जिसको लेकर अब लोगों ने चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में आगे हम बढ़ेंगे और इन तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भरत मल्होत्रा, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आंचल कपूर, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर भरत, सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करेंगे और आज हम डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह से डेल्टा नया रूप बदलकर डेल्टा प्लस में आया है और माना जा रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से इसका इन्फेक्शन फैलता है, क्या भारत में तमाम जो मरीज़ हैं या भारतवासी हैं उनको इस वेरिएंट को लेकर डरने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि पिछली टॉक में भी जब हम लोगों ने बात करी थी 3-4 दिन पहले, तब भी हम लोगों ने, मैंने भी यही कहा था, डॉक्टर आंचल का भी यही कहना था और हम सबको यही कहना था कि देखिए, डरने से तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी अब एक 1.5 साल का करीब समय निकल चुका है। इवन डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड वेव की, और महाराष्ट्र में ऑलरेडी अलर्ट साउंड कर दिया गया है कि प्रॉबेबली 2 से 3 हफ्ते में थर्ड वेव 4 हफ्ते में आ भी सकती है। अब डेल्टा वेरिएंट था, पर डेल्टा प्लस वेरिएंट हुआ है। बार बार यही जो आ रहा है मैसेज, वो ये दिया जा रहा है कि देखिए, डरने के बजाय, डरने की डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन डरने के बजाय अगर हम लोग उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मास्क, डिस्टेंस, सोशल गैदरिंग्स, बस सैनिटाइज, यूज ऑफ सैनिटाइजेशन लिक्विड,
ये सैनिटाइजर, ये जो तीन चीजें हैं, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग एंड मास्क, यही हम लोग को सबसे ज्यादा बचा सकती है बजाय डरने के। और अच्छा ये होगा कि अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में सोच के चलें। जी बिल्कुल, चल आपके पास आएंगे तो जिस तरह से डॉक्टर भरत ने जानकारी दी है कि डरने के बजाय हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लगातार करना होगा, और इस बात को लेकर हम लगातार अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी अभी भी मानकर चलनी होगी। डबल मास्किंग के साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी यदि बाहर निकलते हैं तो पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हुई है ऐसे में लोगों की लापरवाही भी कई जगह से देखने को आ रही है, इस तरह की खबरें भी आने लगी। ये आपसे जानना चाहूंगी, अगला सवाल यहाँ पर ये होता है कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर जब इतनी सारी चिंताएं लोगों के द्वारा जताई जा रही हैं, तो हमारे भारत में जो हम वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, क्या वो इस वेरिएंट पर कारगर साबित होंगी? क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मेडिकल फील्ड की तरफ से मिली है जो हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, ये अभी इस बारे में कुछ भी परफेक्टली नहीं कहा जा सकता है कि ये हमें डेल्टा प्लस से बचाएगा कि नहीं। अभी इसके बारे में पूरी स्टडीज नहीं सामने आई है। जी बिल्कुल, इसके अलावा डॉक्टर आंचल, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात आ रही है, और जहाँ जहाँ भी ये केसेस दिखाई दिए हैं, 150 अभी तक गिनती हुई है पूरे वर्ल्ड में जो केसेस आए हैं, ऐसे में भारत में एकमात्र 6 केसेस सामने आए हैं, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है तमाम राज्यों को, क्योंकि जिस तरह से लोग आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर आने का समय अब जो प्रिडिक्ट किया गया, एंटिसिपेट किया गया है, वो यदि जुलाई अगस्त होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना की एक वेव आने की अंदेशा हर कोई जता रहा है। तो ऐसे में 150 और साथ में भारत में 6 केस दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर हमें सावधानी कितनी रखने की ज़रूरत है? पूरी पूरी सावधानी रखनी है, जैसे कि हम लोगों को कोविड में जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वही मास गैदरिंग और मास्क सैनिटाइजेशन, ये सारी कोविड रिलेटेड बिहेवियर है, इसका हम लोगों को पूरा जो है पूरा पूरा एहतियात के साथ रहना है। जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा ऐसे ही होती है, एक केस से दो, दो से छः, फिर छः से कब वो किस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जी बिल्कुल, सावधान तो रहना है और प्रिपेयर्ड भी रहना है हर तरीके की कलामिटी के लिए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर भरत, लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बने या फिर वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, इस वायरस के बारे में जहाँ तक अभी तक की स्टडी और रिसर्च है उसके माध्यम से आप क्या कहेंगे, क्या ये वायरस लगातार हमारी एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनी है उनको भी चकमा देने में कामयाब हो सकता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये बात कह पाना। देखिए, म्यूटेशन वेरिएशन वायरस का नेचर है। वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है बेस्ट वे में सर्वाइव करने के लिए, बेस्ट वे में प्रोग्रेस करने के लिए। जब हम वैक्सीन अप्लाई करना शुरू करते हैं, जब हम दवाएं देना शुरू करते हैं, तो वही सारी चीज़ें वायरस को म्यूटेट करने के लिए या वायरस का वेरिएंट क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो बात आपने कही कि क्या हमारी बॉडी में जो बन चुके हैं एंटीबॉडीज उनको कितना हद तक, मैं ये कहूँगा कि अभी ये बात जैसे डॉक्टर आचल ने कहा कि ये तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितना इफेक्टिव होगा कितना नहीं इफेक्टिव होगा। बट इवन अदरवाइज भी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक इम्यूनिटी तो बॉडी कुछ हद तक इम्यूनिटी तो हमारे हमें कोविड का जो इन्फेक्शन है वो देगा ही देगा, या वैक्सीनेशन है वो कुछ हद तक हमको इम्यूनिटी देगी। अब हाउ सीवियर द डिजीज वुड बी, कितना सीवियर होगी बीमारी, ये तो टाइम ही बताएगा केवल। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन, इवन इवन जो डेटा आ रहा है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हम लोग को बहुत क्विकली वैक्सीनेशन को कंप्लीट करने की ज़रूरत है ताकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बन जाएं जो कि बीमारी के कोर्स को मोल्ड करने में, बीमारी के कोर्स को डाइल्यूटेड रखने में शायद हमारी हेल्प कर सके। जी बिल्कुल,
डॉक्टर आचल, कोरोना को लेकर जितने भी इलाज के तरीके थे उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आईसीएमआर की तरफ से भी आया है। जैसे प्लाज्मा थेरेपी को पहले कोविड प्रोटोकॉल से हटाया गया, उसके बाद जो दवाइयां बहुत प्रचलित हो रही थी, रेमडेसिविर की बात हो, आइवोमेक्टिन की बात हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हो, ये तमाम दवाइयों को अब प्रोटोकॉल से बाहर निकाल दिया गया, इन दवाइयों के इस्तेमाल को नहीं करने को भी कहा गया है। तो अब जब कोरोना के केसेस आ रहे हैं, खासतौर से जब तीसरी लहर की हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो नए पेशेंट होंगे या यदि जिनको फीवर आता है तो उनको कौन कौन सी वो दवाइयाँ होंगी जिनके माध्यम से ठीक करने का ऑप्शन होगा? क्योंकि अभी तक इन दवाइयों को रामबाण माना जा रहा था और एकदम से इन दवाइयों को अब बंद करने की सलाह दी जा रही है। देखिए, माइल्ड केसेस जो होते हैं उनमें तो जनरली अगर माइल्ड केस कोई भी होएगा तो माइल्ड केस के तो हमेशा से गाइडलाइन यही रही है कि दे रिक्वायर जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, की अगर बुखार आ रहा है तो हम पैरासिटामोल देंगे। बाकी और अभी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आई है कि हम लोगों को कम्प्लीटली जैसे फेविपिरावीर को हटा देना है। बीच में जिंक के बारे में भी आया था कि प्लस माइनस रोल है। आइवोमेक्टिन का रोल अभी जो मेरे ख्याल से करीब 1 वीक पहले स्टडी आई थी उसके हिसाब से आइवोमेक्टिन हम का भी रोल हटाया नहीं गया है। तो ये जैसी गाइडलाइन आएगी अभी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अभी आईसीएमआर ने कोई कम्प्लीट गाइडलाइन हम लोगों को नहीं दी है कि हम लोग क्या क्या हटाएंगे और क्या क्या रखेंगे। डॉक्टर भरत, आप क्या कहते हैं इसमें? जी बिल्कुल डॉक्टर भरत, इस सवाल पर मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। तो जिस तरह की ये दवाइयाँ, इनको लेकर अब ये माना जा रहा है कि इनके इनके इस्तेमाल पर कहीं ना कहीं इनको कम करने के लिए और इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा माइल्ड केसेस में ना करने की सलाह दी जा रही है। माइल्ड केसेस में तो हालांकि वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कई अन्य केसेस में भी इनका इस्तेमाल करने के लिए अब मना किया गया है। देखिए, डॉक्टर आचल की बात से मैं एग्री करता हूँ कि कोविड एक ऐसी बीमारी हमारे सामने आई है पिछले एक साल में कि विद एवरी फ्यू डेज, एवरी वीक, एवरी मंथ न्यू मेडिसिंस, न्यू गाइडलाइंस, न्यू वेरिएशंस इन कॉम्बिनेशन थेरेपीज, ये सारा कुछ होता रहा है, नई नई दवाइयाँ सामने आई। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लिटरेचर को सर्च करें तो जो आइवरमेक्टिन की या डॉक्सीसाइक्लिन की या फिर जिंक की, विटामिन सी की, अभी बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल हैं। ये जो इनिशियली अभी 15 दिन पहले जो दिया गया कि आइवरमेक्टिन इज आउट एंड फेविपिरावीर इज आउट एंड एजिथ्रोमाइसिन इज आउट, ये सब इनिशियल डेटा है जो प्रॉबेबली पिछले प्लाज्मा थेरेपी इज डेफिनेटली आउट। प्लाज्मा थेरेपी वॉज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बात टैबलेट्स की है, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, चाहे वो जिंक हो, इन दवाइयों की जो बात है एजिथ्रोमाइसिन की, वो अभी भी बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। आइवरमेक्टिन के बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं। अगर हम इंटरनेशनल लिटरेचर देखें तो देर आर लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स जो आइवरमेक्टिन को पूरा सपोर्ट करते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स जो ये कहते हैं कि आइवरमेक्टिन हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव इन भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही डॉक्टर आचल कि अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि माइल्ड और माइल्ड केसेस की जब हम बात करते हैं तो माइल्ड केसेस में तो वैसे भी आप कोई भी एक सिंपल एंटीबायोटिक चूज कर सकते हैं जो कि हम लोग की डेली प्रैक्टिस में होती है विद सम फीवर ऐसे ही, और बहुत सारे केसेस तो माइल्ड फॉर्म में जाके रिकवर ही हो जाते हैं। जब चीज़ें मॉडरेट या मॉडरेट भी हम लोग चिंता करना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर आचल, आपके पास आऊँगी। और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि पिछली लहर जो दूसरी लहर आई थी उसमें कहीं ना कहीं इस डेल्टा वेरिएंट को बहुत हद तक ज़िम्मेदार माना जा रहा है। जितनी तेज़ी से केसेस बढ़े थे और संख्या बढ़ी थी, लोगों को काबू करने में दिक्कत हुई है, चाहे मेडिकल स्टाफ की बात कर लें, सरकारों की बात कर लें, शासन प्रशासन की बात कर लें, तो यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और कई एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इसको लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इतनी क्षमता है कि एक बार फिर से दूसरी लहर की तरह यदि तीसरी लहर आए और यदि ये बेकाबू हो तो एक बार फिर से स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं?
स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, हो सकता है मुझसे बाकी लोग डिफर करें, अगर हम लोग जो अभी डर लग रहा है 10 से लेकर क्या कहते हैं 18 साल 17 साल के लोगों के लिए, अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाते 18+ के लिए, और 10 साल के नीचे के लिए कहा जा रहा है कि उनको, अभी तक तो यही सारी स्टडीज कह रही है कि ये वायरस नहीं परेशान करेगा, तो तीसरी वेव अगर आएगी तो इस एज ग्रुप के लिए तो थोड़ा डरने की बात हो सकती है, और अगर बाकी एज ग्रुप अच्छे से सब लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या बिहेवियर रहेगा कहना मुश्किल है, बट टारगेट अभी हो सकता है, अगर कोविड की थर्ड वेव आए तो इन्हीं इस एज ग्रुप को पहले करें। जी बिल्कुल डॉक्टर भरत, जिस तरह से तमिलनाडु में कुछ केस सामने आए हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात की है, तमिलनाडु की बात की है, नए वेरिएंट को लेकर, पिछली बार भी ये लापरवाही हुई थी कि पहले एक राज्य में केस आए, और जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में चेकिंग का प्रावधान हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं लापरवाही हर एक स्टेप पे होती है, और वो लापरवाही तब ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब वो कई स्टेप पे होकर एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर हमें कौन से कदम अभी से उठाने चाहिए कि यदि वो वेरिएंट एक राज्य में मिला भी है तो वो वहीं सिमट कर रह जाए, ऐसा ना हो कि वो वेरिएंट धीरे धीरे स्प्रेड करते हुए एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष में पिछली वाली स्थिति लेकर आ जाए कि उसको कहीं चेकिंग में कोताही बरती जा रही है, कहीं चेकिंग की नहीं जा रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग आ रहे हैं उनका उस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में हमें हमें पहले से क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि हम उसे वहीं पर रोक सकें, आगे ना बढ़ने दें। देखिए, सावधानियां तो सेम ही है, मास डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन भी हम लोग कर सकते हैं जिस जगह से स्ट्रेन आने शुरू हो गए, क्योंकि देखिए ये बात तो है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को बदल नहीं सकते, क्योंकि शुरू में सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, और पेशेंट, हम लोग सब लोग जानते हैं कोविड में कि पेशेंट्स ए सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। ए सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का मतलब है कि आदमी वायरस को कैरी कर रहा है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है, बहुत ज़्यादा आप क्रॉस स्टेट ट्रैवल या क्रॉस डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल या क्रॉस सिटी ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करके या स्क्रीनिंग करके, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग, अगर एक तो हमारा कंट्री इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी वास्ट है कि आप हर एक लेवल पर, हर एक आउटपोस्ट पर एक स्क्रीनिंग शायद इजीली पॉसिबल है। ऐसा हो भी तो भी आई थिंक स्क्रीनिंग से ज्यादा हम लोग को अपनी पॉपुलेशन को अवेयर करने की जरूरत है। एक तो जैसे जैसा आपने कहा कि जैसे तमिलनाडु के एक पर्टिकुलर एरिया में केस आया, महाराष्ट्र में आया, तो हम लोग वहीं पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें और हम लिमिटेड वे में चीजों को ओपन अप करें, जैसा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट्स कर रही है। और दूसरा ये कि अपनी पॉपुलेशन को हम अवेयर करें टू यूज दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, शायद यही तीन चीजें जो हमको बचाएंगी। जी बिल्कुल, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, और अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर नया डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस की जो बातचीत हो रही है वो कितना घातक है, कितना खतरनाक है, और आप सभी को इससे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, इस बात की चर्चा हम हमारे कार्यक्रम में कर रहे हैं, चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव।
इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टीरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकोरमाइकोसिस इसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटीफंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह का वेरिएंट है ये, साथ ही साथ हमारी जो वैक्सीन लग रही है वो उस पर कितनी कारगर है, हमें इससे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है और किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भरत मल्होत्रा वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर आचल कपूर वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर आचल आपके पास आएंगे और कोरोना से बचने के लिए जो सबसे मजबूत हथियार है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ वैक्सीनेशन जिसे माना जा रहा है। लगातार हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगवाया जा सके, लेकिन जिस तरह से हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भरत ने भी बोला कि इतना बड़ा हमारा देश है भारतवर्ष, कि इतनी आसानी से तमाम लोगों को वैक्सीन की डोजेस दे पाना और समय कि जो हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर से पहले तमाम लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा पाना, ये आज की डेट में मुमकिन दिखाई नहीं देता है। इसमें अभी समय लगेगा क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है, केंद्र सरकार धीरे धीरे इसे पूरा कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम जब बचाव की बात करते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी की जो बात आती है, कितने परसेंट लोगों को किसी भी कंट्री में ये वैक्सीन लगनी चाहिए, कितने परसेंट लोग वैक्सीनेट होने चाहिए यदि हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो। जी अगर मैंने हम लोगों ने मोर देन 60-70% लोगों को वैक्सीनेट कर लिया तो आई गेस हम लोग काफी हद तक अपनी चीजों में सक्सेसफुल होने के हमारे चांसेस रहेंगे। जी, इसके अलावा जिस तरह से बातचीत ये हो रही है कि तीसरी लहर से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर के पहले इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन संभव तो नहीं है, क्योंकि आज की इस स्थिति में यदि देखें तो हमारे पास वैक्सीन ही इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कितना समय लगेगा 60-70% इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में, इस बारे में क्या आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये तो डिपेंड करेगा कि वैक्सीन की क्या अवेलेबिलिटी होती है। अगर वैक्सीन हम लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड ऑफ वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो कोवैक्सिन हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, जो अवेलेबल हो उसको हम लोगों को बस टारगेट ये करना चाहिए वैक्सीनेशन पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। तो अगर आई डोंट नो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकली कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो हम लोग कराते जाएं तो शायद हो सकता है ऐसा। जी बिल्कुल। डॉक्टर भरत आपके पास आएंगे, वैक्सीन को लेकर जब हम बातचीत कर रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम दोनों डोजेस को अभी छोड़ भी दें, पहली डोजेस की बात करते हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग जाती है तो क्या ये एक तरह से कारगर साबित हो सकती है कोरोना की अगली लहर से लड़ाई करने के लिए? कि बहुत सारी पॉपुलेशन मोस्ट लाइकली इनोकुलेट हो चुकी है या एक्सपोज हो चुकी है टू दी कोरोना वायरस ऑलरेडी। उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन की एक डोज, अब आइडियली स्पीकिंग वैक्सीनेशन का जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है वो हमको दो डोजेस के बाद ही मिलता है, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन कोरोना वायरस को एक्सपोज हो चुकी हो वहाँ पे एटलीस्ट एक डोज भी अगर पहुंच जाती है तो शायद कुछ हद तक
हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन, इसके ऊपर कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि डॉक्टर आंचल ने भी कहा कि रफली 60-70% पॉपुलेशन जो है वो अगर वैक्सीनेट हो जाती है, व्हाट एक्चुअली व्हाट शी मींस बाय दिस इज कि वैक्सीनेशन का मतलब केवल नीडल वैक्सीनेशन ही नहीं है, वैक्सीनेशन का मतलब आप इन्फेक्शन से भी ले सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन हो चुका है और उसको एक डोज मिल जाती है तो कहीं ना कहीं दो उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन या वन डोज ऑफ वैक्सीन इट वर्क्स लाइक अ बूस्टर आइदर वे, तो कुछ हद तक उसको प्रोटेक्शन एंटीबॉडी के फॉर्म में मिल जाता है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ कॉलर राकेश जी, जी भरत जी आपके पास आएंगे दोबारा, हमारे साथ कॉलर राकेश जी गुजरात से जुड़े हुए, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। राकेश जी ये जो शोर चल रहा है तो उसमें डॉक्टर को ये पूछना है कि जो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं तो हेल्थ कॉन्शियस रहे उसके लिए कुछ फूड का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जी, किसके इस्तेमाल के बारे में आप जानना चाहते हैं राकेश जी, एक बार फिर से अपने सवाल को दोहरा दें आप। हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम है जी, तो उसके लिए ये खाना जो बता रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस, तो ये खाना किस तरह से खाना खा सकते हैं हम लोग, तो कैसे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं डॉक्टर आंचल आपके पास आऊंगी। हमारे एक दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि हेल्थ को यदि बेहतर बनाना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रह के भोजन अपना चूज करना चाहते हैं, तो किस तरह का खाना इन्हें चूज करना चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए आज के समय में। हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी रहती है किसी भी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए, तो हाई प्रोटीन जैसे एग हो गया, दूध दही छेना पनीर सोयाबीन, इस तरीके की डाइट अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे और ऑब्वियसली जो फैटी फूड है उसको कट डाउन करेंगे तो हमेशा हर एक के लिए अच्छा होता है, चाहे वो कोविड हो चाहे कोई भी इम्यूनिटी बिल्डिंग सिस्टम। जी बिल्कुल। और जी जी डॉक्टर आचल, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भरत आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा के माध्यम से ये जानकारी हमें मिली है कि बहुत अधिक डरने की या चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हमें अभी भी कोविड गाइडलाइंस को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से भारतवर्ष के साथ ही तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, ऐसे में यदि आप घर से बाहर निकलते हैं उसके साथ ही साथ डबल मास्किंग के प्रयोग के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे तो आप अपनी भी सुरक्षा को बरकरार रखेंगे और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, बाकी